राजीव एंड फैमिली टन, और कौन, और धर्मेश जी टन। और किसी को बुलाना है कल के फंक्शन के लिए? किस किस को बुलाया है? वही सेम गैंग। जरूर, गेस्ट लिस्ट में भैया भाभी का नाम तो होगा नहीं। नहीं, लिस्ट में भैया भाभी का नाम नहीं है। अच्छा हो गया है अंजलि, पता नहीं क्या सोचेंगे। और उन्होंने भी तो कभी फोन पे तुमने किया? एक छोटा सा वर्ड ही तो है, थोड़ा हिम्मत करो और बोल दो। एक छोटा सा वर्ड ही तो है, थोड़ा हिम्मत करो और बोल दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं अलग से कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन भैया, मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। भैया आई एम सॉरी, भैया शायद मेरा तरीका सही नहीं था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। और आप भी तो मुझे एक बार डांट कर रोक सकते थे, आपने भी तो कभी। खैर छोड़िए, मैं कह रहा हूं ना, आई एम सॉरी। एक बार गले मिलने भी नहीं आएंगे मुझसे? कहा है मैंने ये बात? वो सुनती नहीं है तो मैं क्या करूं? भैया भाभी आ गए। अरे आराम से भैया, हाउ आर यू? सुना है दोनों भाइयों में बहुत सौरियां बांटी जा रही है। सॉरी भाई, बहुत मिस किया। एक सॉरी ही तो है, बोल डालो और सारे गिले शिकवे धो डालो। इस कहानी में दो भाइयों के बीच सालों से बातचीत बंद थी, वजह बेहद मामूली। उनके बीच एक छोटा सा लव्स गायब था, क्षमा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे भारी चीज कौन सी है, और वो चीज है हमारा खुद का अहम, यानी कि ईगो। दुनिया में जाने कितने रिश्ते नाते टूटे इसी अहम के वजह से। इंसान तो गलतियों का पुलिंदा होता है, लेकिन जब तक आप अपनी गलतियों को मान नहीं लेते, तब तक उन गलतियों से कुछ सीख भी नहीं सकते। और जो अपनी गलती स्वीकार करना जानता है, वो क्षमा भी करना जानता है। क्षमा करने से आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होते हैं, और आप पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत कर पाते हैं। यही है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा यानी क्षमाशील मनुष्य।